अस्सलाम वालेकुम क्लास बेटा। क्या आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। चलिए ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करें। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे आज हम इसमें। और इसमें हमारे पास जो है ना, वो पंजाब प्योर फूड के जो 2007 में जो रूल्स आए थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे इसके। इसके अलावा नीट या थी हमारे लिए रूल्स बनाने के, इसके अलावा प्रिवेंटेशन फॉर्म फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो पंजाब प्योर फूड रूल्स हमारे पास 8 सेक्शंस थे उसके। ठीक है, जिसमें हमने डेफिनेशन और वारंटी पढ़नी थी, फूड एडिटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, फूड लेबलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेबलिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 लेक्चर्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं इसके बारे में। इसके अलावा सेल्स एंड स्टोरेज है, लाइसेंसिंग है, वो भी लाइसेंसिंग का पार्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हलाल एंड हराम का। ठीक है, प्रिवेंटेशन फ्रॉम फूड एंड पॉइजनिंग आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अलावा जो पब्लिक एनालिस्ट होती है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, प्रोसीजर ऑफ द अनसाउंड फूड। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और कुछ हम लोग अपने लेक्चर्स में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो पंजाब प्योर फूड रूल्स 2007 में क्या था? द पंजाब प्योर फूड रूल्स 2007 फ्रेम्ड अंडर द पंजाब प्योर फूड ऑर्डिनेंस। ठीक है, जो ये रूल्स बने थे किसके अंडर बने थे? जो हमारे पास 1960 में पंजाब फूड का ऑर्डिनेंस आया था उसके अंडर हमारे पास ये बने थे। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड प्योर फूड रूल्स दैट आर इन लाइन विद द फूड सेफ्टी मेजर्स अडॉप्टेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, पंजाब प्योर फूड ने कहाँ से ये अडॉप्टेशन ली थी इन चीजों की? जो डेवलप्ड कंट्रीज के जिनके रूल्स जो थे बन चुके हैं, जैसे USDA वगैरह थे। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, ये WHO के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वहां से हम लोगों ने कुछ रूल्स लेके उनको मॉडिफाई किया था अपने कंट्री के अकॉर्डिंग। प्योर फूड रूल्स 2007 वर एप्लीकेबल ऑन ऑल फूड प्रोसेसर्स फ्रॉम अगस्त 20, 2008। ठीक है, 2008 से अगस्त 20, 2008 से जितने भी फूड के जो प्रोसेसर्स थे, जितने भी फूड ऑर्गेनाइजेशंस थी, चाहे वो होटल्स हो चाहे वो प्रोडक्शन एरियाज हो, उनके ऊपर ये रूल्स अप्लाई होना शुरू हो गए थे। अच्छा, इनका जो बेसिक एम था हमारे पास वो क्या था? वो यही था कि हम लोग ऐसी सेल्स को एलिमिनेट करें मार्केट से जो कि क्या है, जो कि इंजेस है, जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब जो रॉन्ग एडिटिव्स की एडिक्शन थी। ठीक है, या फिर जो दूध के अंदर अडल्ट्रेशन हो रही थी, या जो फूड के अंदर मिक्सचर्स ऐड किए जा रहे थे जो अडल्ट्रेशन हो रहे थे। तो मेन रूल यही था या मेन एम यही था कि इन चीजों को अपने सेल्स से एलिमिनेट करके होलसम एंड सेफ फूड अपने कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो हमारे पास क्या थी? रेगुलेटिंग बॉडीज कौन सी होती है? रेगुलेटिंग बॉडीज आपको पता है ना, जब 2-4 ग्रुप्स ऑफ दी कंपनीज इकट्ठे बैठ के कोई रूल्स वगैरह बनाते हैं या किसी चीज की जांच पड़ताल करते हैं, उनको हम लोग रेगुलेटिंग बॉडीज कहते होते हैं। जैसे अब आप देख लें, हमारे जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, दे आर ऑल्सो रेगुलेटिंग बॉडीज। आजकल वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर कंट्रोलिंग कोरोना। ठीक है, तो ये एक रेगुलेटिंग बॉडी होती है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि रेगुलेट करे लॉस को, उनको उन लॉस को इन्फोर्स करे आपके पास। ठीक है, पंजाब फूड अथॉरिटी वॉज बींग स्टैब्लिश दैट विल रेगुलेट दीज रूल्स। वो कौन से रूल्स थे? ग्लोबल स्टैंडर्ड फूड टेस्टिंग लैब। ठीक है, एक तो ग्लोबल स्टैंडर्ड के फूड टेस्टिंग लैब थे। ठीक है, PCSIR हमारे पास बहुत शुरू से था, पर 2008 से लेकर टिल टुडे PCSIR बहुत एक्टिव है और वो हमारे पास एक ग्लोबल लेवल की फूड टेस्टिंग लैब है, जहाँ पे हम अपनी फूड टेस्टिंग भी करते हैं और जो फॉरेन कंट्री से हम लोग फूड वगैरह इम्पोर्ट करवाते हैं या जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करवाते हैं, तो वहाँ पे उसकी टेस्टिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा फिर मोबाइल टेस्टिंग थी। मोबाइल टेस्टिंग अगर आपको याद हो, हलाल एंड हराम वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि डेली मॉर्निंग टाइम में स्मॉल किट्स ऑफ लैब किट्स होती है, जो कि उसी जगह पे जाके ऑन द स्पॉट मिल्क और मीट वगैरह की टेस्टिंग की जाती है, क्या इसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन वगैरह तो नहीं की। जैसे मिल्क के अंदर आयोडीन के एडिशन की जाती है, फिर उसकी कलर चेंजिंग देखी जाती है। अगर तो उसका कलर इस तरह रस्टी ऑरेंज जैसा हो जाए तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर अडल्ट्रेशन है, अगर ना हो तो इसका मतलब है कि इट इज प्योर एंड इट हैव नो इम्प्योरिटीज इन इट। जिसका डिस्टिंक्ट फीचर था, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो था इसका, अंडर द न्यू लॉ द कॉज केसेस फॉर सप्लाई ऑफ सबस्टैंडर्ड फूड आइटम्स वुड बी एस्टैब्लिश अगेंस्ट द ऑनर्स और स्पॉन्सर्स। ठीक है, इसमें जो डिस्टिंक्ट और जो आपके पास कह सकते हैं कि यूनिक फीचर ये था कि अगर कोई इस तरह की कोई सबस्टैंडर्ड सप्लाई ऑफ फूड की जो कि अच्छा फूड सप्लाई ना किया जा रहा हो, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, उन स्पॉन्सर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इंस्टेड कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए
जो कि वहां पे बेचारे काम कर रहे हैं, जिनके पास रिटेल्स में आता है, ठीक है। लेट सपोज अब एक बुचर है, उसके पास अगर वो खुद अगर वहां पे स्लांटरिंग नहीं कर रहा और उसके पास किसी स्लांटरिंग फर्म से आ रहा है गोश्त, तो हम लोग उस बुचर को ब्लेम नहीं करेंगे, बल्कि उस प्रोडक्शन एरिया, उस प्रोडक्शन यूनिट के ऑनर को ब्लेम करेंगे जहां से वो सारा स्लांटर करके जो मीट है उस बुचर के पास एक स्पेसिफिक आ रहा है। वो बुचर तो रिटेलर है, तो प्रोडक्शन वाले के ऊपर आप लोग क्या करेंगे, उसके खिलाफ आप लोग एक्शन लेंगे, उसको आप सू कर सकते हैं। इसके अलावा क्या थे, वायलेशन ऑफ रूल्स, अगर वायलेशन ऑफ रूल्स हो गई आपके पास तो पनिशेबल होगा 5 से 15 साल की इम्प्रिजमेंट हो सकती है। इस तरह 50,000 से लेकर 2.5 मिलियन जो आपके पास है उसके चार्जेस आप लगा सकते हो, ठीक है। और क्या था, वाई प्योर फूड रूल्स वर नीडेड, ठीक है। अब हम कहेंगे कि डिमांड क्यों आई थी इन रूल्स की, ठीक है। वो इसलिए आई थी कि जो हमारे पास ओल्ड रूल्स थे, क्योंकि वो ओल्ड रूल्स आपको पता है उसकी दोबारा कभी अमेंडमेंट्स नहीं हुई, उनको कभी रिन्यू नहीं किया गया, तो वो सुफिशियंट नहीं थे, इस वजह से न्यू रूल्स बनाए गए। नीड ये थी नंबर वन, ठीक है। और इसके अलावा कहते हैं पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स थे वो अनेबल थे टू मीट द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। हमारी बहुत सारी प्रोडक्शन जो थी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो थे वो आउट ऑफ द सिटी नहीं जा रहे थे, या आउट ऑफ द कंट्री नहीं जा रहे थे, इम्पोर्ट नहीं हो रहे थे, हमारी ग्लोबल वैल्यू नहीं थी। फिर जब ये रूल्स वगैरह बनने शुरू हुए, रूल्स रिवाइज हुए, उसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई, तो हमारे कुछ जो प्रोडक्ट्स थे उनका ग्लोबल स्टैंडर्ड बना, फिर हमारी चीजें जो थी वो इम्पोर्ट होना, सॉरी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई थी। अच्छा, देयर इज अनदर थिंग यू शुड रिमेम्बर, वो क्या है कि ओल्ड लॉज रिलेटिंग टू फूड स्टैंडर्ड्स इंक्लूड, कौन से थे हमारे पास, प्योर फूड ऑर्डिनेंस थे 1960, अगर आपको चैप्टर नंबर वन याद, उसमें हमने ये पढ़ा था। वेस्ट पाकिस्तान प्योर फूड रॉल्स थे 1965 में, ये हमारे पास आए थे। पाकिस्तान प्योर फूड लॉज थे 1963 में बने थे हमारे पास, और जो रिवाइज हुए थे 2007 में और 2011 में, ठीक है। अच्छा, अर्लियर रूल रिजर्व द राइट ऑफ द ऑफिशियल्स टू स्टॉप मेनी मॉल प्रैक्टिसेस दैट वर ऑलरेडी इन प्रैक्टिस, ठीक है। जो नंबर वन क्या चीज हम लोग देखी थी कि जो हमारे पास ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही थी प्रीवियसली पास्ट में, उनको रोका जाए, ठीक है। पास्ट में क्या हो रहा था हमारे पास, पास्ट में एडल्ट्रेशन हमारे पास बहुत ज्यादा थी, उसको हमने स्टॉप किया, ठीक है। एग्जाम्पल में हम इसकी क्या लेंगे, और ला एनीवन एडिंग वाटर इन मिल्क इज इक्वल टू पनिशमेंट, पनिशेबल, ठीक है। पनिशमेंट मिलती थी, क्या पनिशमेंट होती थी एट टाइम, उनके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह, मतलब लाइक 2,000, 3,000 और 4,000 और 10,000 इस तरह के चार्जेस लग जाते थे, या फिर 3 डेज के लिए जेल हो जाती थी। बट फिर रूल्स चेंज हुए, ठीक है। दोज हु एडेड केमिकल्स इन द मिल्क टू इंक्रीज इट्स शेल्फ लाइफ, देयर वाज नो लॉ टू स्टॉप देम, ठीक है। अब क्या हो रहा था, ऑन द स्पॉट वाला बंदा पकड़ा जा रहा था, जैसे हमारे पास अब एक लोकल मिल्क मैन था जो गवाला होता है, वो पानी डाल रहा था, वो पकड़ा जा रहा था। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे पास, नेस्ले हो गया या फिर हबीब हो गया, देवर एडिंग केमिकल्स टू देयर फूड, और उनके ऊपर कोई चार्जेस अप्लाई नहीं थे, ठीक है। फिर पंजाब फूड अथॉरिटी 2011 से एक्टिव हुई, और उन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, नॉन स्टैंडर्ड कंपनीज थी, उनके ऊपर भी चार्जेस अप्लाई करना, उनके ऊपर भी रेड वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था, कि सिर्फ पानी ये मिलावट ही मिलावट नहीं है, बल्कि आप इस दूध के अंदर जो केमिकल्स डाल रहे हो, इट इज ऑल्सो हार्मफुल एंड इट इज ऑल्सो अनलॉफुल। कौन से केमिकल्स डाल रहे थे आपको अगर याद हो, प्रीवियस चैप्टर में भी आपको मैंने कहा था कि वॉशिंग पाउडर, यूरिया, पेस्टिसाइड, जो हेयर रिमूविंग क्रीम, इस तरह की चीजें ऐड कर रहे थे मिल्क के अंदर, ताकि एक तो उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो, दूसरा यूरिया वगैरह से क्या होता है, अगर आप कभी नोट करें तो जब आप पैकेट का दूध या फिर कभी कभार खुले दूध के अंदर भी अगर एडिशन होती है, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो होती है ना, एक्स्ट्रा झाग आती है, जब हद से ज्यादा और जरूरत से ज्यादा झाग आती है, तो इसका मतलब होता है कि उस मिल्क के अंदर किसी किस्म की केमिकल की एडिशन या अडल्ट्रेशन हुई है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा क्या था, कैटरल्स, ठीक है, यूज केमिकल्स टू प्रिजर्व द लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है। जो कैटरल्स होते हैं, जो डिफरेंट फूड की कैटरिंग वगैरह करते हैं, वो फूड की शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए और फिर उसको सेकेंड डे के लिए यूज यूज में लाने के लिए उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स के एडिशन करते थे, ठीक है। सर्व द मिल्क डिशेज मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, प्रिजर्व्ड विद इंजरियस केमिकल, ठीक है। जो मिल्क डिशेज होती हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत दूध रह जाता था, उनकी सफाई किए बगैर उनके अंदर केमिकल्स डाल के, जो उनके अंदर थोड़ा बहुत जो आपके पास सेविंग होती थी या जो लेफ्ट ओवर होता था, उसको सेव कर देते थे, बजाय इसके कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। सेल द मीट ऑफ वीक एंड इल एनिमल वॉज वेरी कॉमन इन आर सोसाइटी, ठीक है। अभी भी ये प्रैक्टिस किया जा रहा है, जो बीमार जानवर होता है या जो भी अनहेल्दी जानवर होता है, उसके गोश्त को सेल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द बेवरेजेस एंड जूसेस कंटेन नो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है।
वो आपको मैंने कहा था कि उसके अंदर वो क्लाउडीनेस के लिए मटेरियल्स डाल के सिर्फ वाटर एंड शुगर को सेल किया जाता है आपके पास, ठीक है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग एग्स द बेकर यूज चीप मिक्सचर, ठीक है. अभी भी आपके पास ये जो छोटी छोटी बेकरीज होती हैं, जो कि ज्यादा नॉन बेकरीज नहीं होती, अच्छी बेकरियां नहीं होती हैं आपके पास, वो लोग क्या करते हैं, एग पाउडर और या फिर उसके सब्सिट्यूट, इसी तरह केमिकल सब्सिट्यूट होते हैं जिस जिसमें आप लोग लेसिथिनिन आ जाता है आपके पास, ठीक है, बजाय एग्स की उसकी एडिशन करते हैं इनटू द केक्स एंड द पेस्ट्रीज, ठीक है. यूज कुकिंग ऑयल दैट शुड बी डिस्ट्रॉयड टू सोल्ड स्मॉल होटल्स एट चीप रेट्स, ठीक है. जो छोटे छोटे ये जो आपके पास ढाबा टाइप्स होते हैं, जो बड़े रेस्टोरेंट्स क्या होते थे ये, क्योंकि इनके पास फ्राइंग वगैरह ज्यादा होती है. लेट सपोज ये जो आपके पास जो जंक फूड के जो आपके पास चेन्स है, जैसे KFC हो गया, बर्गर किंग, बर्गर लैब वगैरह जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्राइंग बहुत ज्यादा होती है, तो अपनी क्वालिटी तो ये लोग नहीं इतनी खराब करते. वन डे और फॉर टू डे ये लोग फ्रायर में फ्राइंग के लिए वो यूज करते हैं, और फिर वो जितना लेफ्ट ओवर ऑयल होता है जिसको डिस्कार्ड करना होता है, फिर ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं ढाबा टाइप के, इनके ऊपर ये लोग लेस प्राइस में ये लोग इसको सेल कर देते हैं. इट इज ऑल्सो हार्मफुल, क्योंकि उसके अंदर एरोमेटिक चेन्स बन चुके होते हैं और वो ऑलरेडी हार्मफुल होते हैं आपके पास. फिर फूड पॉइजनिंग क्या है, आप लोग को पता है कि फूड पॉइजनिंग क्या है, बहुत दफा आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है. हाउ यू गेट फूड पॉइजनिंग, ठीक है, रीजन क्या हो सकते हैं, दे आर वेरियस रीजन ऑफ फूड पॉइजनिंग, ठीक है. कॉमन काज क्या है हमारे पास, प्रिवेंशन विद रिस्पेक्ट टू पंजाब फूड लॉस, ठीक है. ये हम लोग तीन चीजें जो है इसके अंदर पढ़ेंगे. अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, रिमेम्बर व्हाट इज फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग इज आल्सो कॉल्ड फूड बॉर्न इलनेसेस, ठीक है. कोई भी अनहोलसम या अनहेल्दी या इन्फेक्टेड फूड खाने की वजह से जब आपको रिवर्स एक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, उसको हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं, ठीक है. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे पास, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया विद इन आवर्स, ठीक है. फिर क्रैम्पिंग होती है एब्डोमेन के अंदर, एंड फीवर भी हो सकता है इन सम केसेस, डिपेंड अपॉन द वेरियंट ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, और वायरस. हाउ यू गेट फूड पॉइजनिंग, किस वजह से हो सकती है हम लोग के पास, जब हम अनप्रॉपर कुक फूड लेते हैं उसकी वजह से हो सकती है, या फिर अगर हमारे चिलिंग मेथड जो है फूड के वो सही ना हो, ठीक है, या समवन हु इज हैंडलिंग फूड इज नॉट इन गुड हाइजीन, ठीक है, उसकी वजह से हो सकती है. इसके अलावा क्रॉस कंटेमिनेशन, क्रॉस कंटेमिनेशन क्या होती है, जब अनप्रॉपर हैंडलिंग होती है, या फिर आप अनहेल्दी को हेल्दी फूड के साथ, या फिर इन्फेक्टेड फूड को सेफ फूड के साथ रखते हैं, तो उसकी वजह से क्रॉस कंटेमिनेशन हमारे पास हो सकती है. इसके अलावा क्रॉस कंटेमिनेशन ड्यू टू फ्लाइज एयर बॉर्न भी हो सकती है. टिप्स क्या है हमारे पास प्रिवेंटेशन की, ठीक है. हम लोग जो इन्वायरमेंट है, या खुद को, या जो हमारे पास वेयर हाउसेज है उनको क्लीन रखें, ठीक है. जो हमारे चिलिंग का प्रोसेस है, लेट सपोज अगर पोल्ट्री वगैरह है तो उसको एक्यूरेट टेम्परेचर पे चिल करें, ठीक है. कुकिंग टेम्परेचर हमारा जो बेसिक है, लाइक अगर बेकिंग कर रहे हैं तो 280 है, अगर कुकिंग कर रहे हैं तो 175 to 185 पे हमें कुक करना चाहिए. सेपरेट के अंदर आ जाता है कि जो भी फूड मटेरियल हो उसको अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द फूड मटेरियल आप उसको सेपरेट रखें. जो फ्रीज करने वाली चीजें उसको फ्रीज करें, जो रेफ्रिजरेट करने वाली हैं उसको रेफ्रिजरेट करें, ठीक है. जो फ्रीजिंग वाली चीजें हैं, अगर उसके अंदर लेट सपोज आप बीफ भी रख रहे हो और आप समोसा और कबाब वगैरह भी लेट सपोज फ्रीज कर रहे हो, तो आप जो बीफ को नीचे रखोगे ताकि उसके अंदर से जो ब्लड की ड्रिपिंग होती है वो आपके दूसरे फूड के अंदर उसकी मिक्सिंग ना हो, ठीक है. और लेट सपोज अगर कोई कस्टम कोई जो वर्कर है, या जो घर में भी आपकी मदर है या अगर सिस्टर है वो कुकिंग कर रहे हैं, तो उनको किसी किस्म की कोई एब्डोमिनल डिजीज ना हो, डायरिया ना हो, गैस्ट्रो ना हो, ठीक है. हाइजीन क्लियर होनी चाहिए, टाइफाइड वगैरह इस तरह की कोई बीमारी ना हो जो कि स्प्रेडेबल हो थ्रू द थिंग्स. फिर हम लोग फूड मोस्ट लाइकली टू कॉज फूड पॉइजनिंग, तो कौन सी हमारे पास, पोल्ट्री, क्यों, क्योंकि पोल्ट्री जो होती है वो रॉ एंड अंडर कुक पोल्ट्री जो होती है वो टू टाइप्स की बैक्टीरियाज होते हैं उसके अंदर, ठीक है. कौन से होते हैं, सेल्मोनेला और कंपाइलो बैक्टीरिया होते हैं, जो कि मोस्टली हमारे पास गैस्ट्रो वगैरह की डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है. फ्रूट एंड वो वेजिटेबल जो कि ग्रीन लीफी हो, जो हम रॉ यूज करते हैं जैसे सैलड वगैरह के लिए, या एप्पल हो गया, बनाना हो गया, इसके अंदर बैक्टीरिया की कंटेमिनेशन या बैक्टीरिया की प्रेजेंस हो सकती है, उनको नहीं इस तरीके से यूज करना चाहिए, ठीक है. देन वी हैव फिश. फिश जो है इट इज वेरी पेरिशेबल फूड, ठीक है. तो उसको अगर हम एक्यूरेट टेम्परेचर पे एक्यूरेट हैंडलिंग नहीं करेंगे तो वो भी हमारे पास फूड पॉइजनिंग जो है वो कॉज कर सकता है, ठीक है. अंडर कुक मीट, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास
हो सकता है कि जो कंपाइलोबैक्टर हो गया, इसके अलावा हमारे पास एग्स एंड जाइगोट हो सकते हैं किसी बैक्टीरियाज के, तो इस वजह से मीट को भी प्रॉपरली कुक करके लेना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसी के अलावा अनपेस्चराइज डेली है, क्योंकि अनपेस्चराइज डेली में क्या मसला है, क्योंकि जब आप पेस्चराइजेशन नहीं करते या घर में भी जब कच्चा दूध आता है आप उसकी प्रॉपर बॉइलिंग नहीं करते, तो उसके अंदर बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो कि आपके पास फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। देन वी हैव एग, रॉ एग का तो आपको अगर पता हो, याद भी होगा टॉक्सिकोलॉजी में हमने कितने डिटेल में पढ़ा था कि जो रॉ एग्स के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया होता है, इकोलाई होता है, तो अगर हम उसको सेलमोनेला होता है, ठीक है, अगर हम उसको रॉ कंज्यूम करेंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉर अ लॉन्ग टाइम बीइंग, तो वो हमारे पास वो भी फूड पॉइजनिंग जो है वो कॉज कर सकता है, ठीक है। रॉ मिल्क है तो मैनी पीपल चूज रॉ मिल्क थिंकिंग इट विल इम्प्रूव देयर हेल्थ, बट इट डू नॉट इम्प्रूव हेल्थ, रादर देन इट कॉज बैक्टीरिया एज इट कंटेन्स मैनी अदर बैक्टीरियाज लाइक सेलमोनेला, कंपाइलोबैक्टर एंड अदर इकोलाई टाइप ऑफ दी बैक्टीरियाज और वायरसेस, ठीक है। इसी तरह जो रॉ एग होते हैं वो सेलमोनेला होते, सेलमोनेला आपकी बॉडी के अंदर जो आपके आपकी बॉडी को होस्ट बना लेते हैं, क्योंकि ये पैरासिटिक वायरस है आपके पास, वो भी आपके बॉडी के अंदर क्रैम्पिंग वगैरह जो है या लूज मोशंस जो है वो कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह फिर राइस है, राइस अनकुक्ड राइस कैन बी कंटेमिनेटेड विद स्पोर्स ऑफ बेसिलस सेरस, ठीक है। रॉ राइस के अंदर बेसिलस सेरस हो सकते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। दी स्पोर्स कैन लिव इन ड्राई कंडीशन, क्योंकि राइस तो मॉइस्चर में रखते नहीं है जो रॉ फॉर्म होता है, तो ये बहुत इजीली आपके पास ड्राई कंडीशन के अंदर रह के फर्दर स्पोरिंग कर सकते हैं, ठीक है। They can survive in the package of raw food, raw rice in your pantry. They can also survive the cooking process. ठीक है, अगर हम सही तरीके से चावल को कुक नहीं करेंगे तो भी ये कुकिंग प्रोसेस को सर्वाइव कर सकते हैं, somehow कभी कभार चावल हमें बीमार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर है कि आप फूड पॉइजनिंग के लिए किसी को सू कर सकते हैं, yes you can sue, ठीक है। Rules for prevention of food poisoning, ठीक है, पंजाब फूड में 2007 में ये बात भी की गई थी कि मेडिकल पार्टिसनर सस्पेक्ट्स फूड पॉइजनिंग सेंड टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ दैट फूड अथॉरिटी, ठीक है। अगर किसी को लेट सपोज फूड पॉइजनिंग हुई है, ठीक है, मुझ में से या आप में से किसी को फूड पॉइजनिंग हुई है, तो आपका जो मेडिकल ऑफिसर होगा, जो आपका डॉक्टर होगा, वो आपको एक सर्टिफिकेट दे सकता है कि जी आपको फूड पॉइजनिंग हुई थी इस वजह से, तो वो सर्टिफिकेट आप ले जाके फूड अथॉरिटी में दिखा सकते हैं, और बड़े आराम से आप किसी भी सर्टन, अब जैसे अब रमजान है तो आजकल जो, क्योंकि उस तरीके से तो सेल्स एंड परचेज नहीं होते, मोस्टली हम लोग होम कुक फूड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बेकरीज के अंदर ये होता है कि डिटोरिएशन स्टार्ट हो सकती है, लेट सपोज अगर आप बेकरी से फूड लाते हो और आप बीमार होते हो और आपको अगर डॉक्टर सर्टिफाई करते हैं, लेट सपोज आपने जो सर्टन फूड खाया था, लेट सपोज इट वॉज चिकन पैटीज, तो उस फूड के अंदर ये वाला बैक्टीरिया था, तो आप जाके उनको सू कर सकते हैं, ठीक है। The name, age and gender of the patient and the address of the premise where the patient is, ठीक है। तो ये basic specification थी जो आपको चाहिए होंगी उस application के लिए, ठीक है। Details of food poisoning from which he suspected, ठीक है। Proper testing आप उस food की करोगे और वो जो food की report आएगी वो attachment आप उसके साथ करोगे, ठीक है। Also stating whether the case occurred in the private practice or a practitioner or was in government officer, ठीक है। ये सारी चीजें भी देखी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा इफ द हेल्थ ऑफिसर ऑफ फूड अथॉरिटी हैज रीजनेबल ग्राउंड फॉर सस्पेक्टिंग दैट एनी फूड कॉज फूड पॉइजनिंग कम्युनिकेबल डिजीज ही मे गिव नोटिस टू, अच्छा लेट सपोज अगर टेस्टिंग हो गई, आप लोगों ने भी अपनी जांच पड़ताल कर ली, फिर जो फूड अथॉरिटी वाले थे उसने भी कर ली, अगर उसको कुछ ऐसे सस्पेक्ट मिल गए जिसकी वजह से वो उसको सू कर सकता है, तो वो 6 months के लिए क्या कर सकते हैं, फ्रॉम दैट is not to be used for human consumption, ठीक है। तो वो उस कंपनी को या उस जगह को 6 महीने के लिए सील आउट कर सकता है या उस बंदे के ऊपर चार्जेस अप्लाई कर सकता है, ठीक है। वो जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। फॉर्म अंडर द सेक्शन ऑफ 13 पंजाब प्योर फूड ऑर्डिनेंस, ठीक है। फूड अथॉरिटी कहाँ पे फॉल कर रही थी, वो जिस एरिया के अंदर वो केस हुआ है, ठीक है। फ्रॉम दिस टू डैट, हेल्थ ऑफिसर का नाम एंड सस्पेक्ट को क्या डिजीज थी वो सारी चीजें, और फिर वहां पे वो अपना सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। अ पर्सन हु यूजेस और रिमूव्स एनी फूड इन वायलेशन टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ नोटिस गिवन अंडर द रूल्स शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है। या फिर इस तरह का कोई एडिशन या रिमूवल करता हो किसी फूड से, तो दे आर ऑल्सो अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, गिल्टी हो सकते हैं वो भी, तो उनके खिलाफ भी हम लोग केस जो है ना वो कर सकते हैं। फिर और क्या है कि इफ एज अ रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन द हेल्थ ऑफिसर इज सेटिस्फाइड एट द फूड इन क्वेश्चन
और इन एनी पोर्शन ऑफ देयर फूड इज लाइकली टू कॉज फूड पॉइजनिंग, अगर गिल्टी वो प्रूफ हो जाए और वो उसके अंदर से कोई इस तरह का इंग्रेडिएंट जो है वो देख ले, हेल्थ ऑफिसर ही मे डील विद इट एज फॉलिंग विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 5, बट इफ ही सेटिस्फाइड दैट इट मे सेफली बी यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ही शैल विदड्रॉ हिज नोटिस. ठीक है, फिर कुछ अर्चे के बाद वो क्या करेगा, वो दोबारा उस चीज को देखेगा, अगर तो वो क्लियर है तो वो उसको जाने देगा और उसको कहेगा कि तुम अपनी कंपनी को वापस रीओपन कर सकते हो और वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए ठीक है, अगर नहीं तो फिर सेक्शन 5 के मुताबिक दोबारा से उसको कोई सजा वगैरह दी जा सकती है. ठीक है, सेक्शन 5 में क्या बात की गई थी कि एनी फूड विच इज अनसाउंड अनहोलसम इंजरियस टू हेल्थ और अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज प्रोहिबिटेड फॉर सेल भी नहीं कर सकते, उसको आप प्रिपेयर भी नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते, इसके अलावा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते. ठीक है, पेनल्टीज क्या है हमारे पास, अनहाइजेनिक अनसैनिटरी कंडीशंस में एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स और प्रोसेसेस और कीप्स एनी फूड अंडर अनहाइजेनिक और अनसैनिटरी कंडीशन, उसको क्या होगी, उसके 6 महीने की इम्प्रिजमेंट हो सकती है. ठीक है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द 6 मंथ्स एंड नॉट लेस देन 3 डेज. वो 3 डेज भी आप क्या करोगे, वो बेल के ऊपर निकल सकता है, अगर वो उन 6 महीनों या उन 3 दिनों के अंदर अपने SOPs को ठीक नहीं करता तो दोबारा से उसके पास इम्प्रिजमेंट के चांसेस है. ठीक है, इसके अलावा आप फाइन कर सकते हो, 1 मिलियन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, एनलेस टू 20,000. ठीक है, कभी कभार जब ऑन द स्पॉट अगर आप फाइन करते हो तो वो 20,000 या 25,000 से उसकी स्टार्टिंग होती है. ठीक है, प्रिवेंटेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग इफ अ नोटिस इज विथड्रॉइंग बाय हेल्थ ऑफिसर और ऑफ कोर्ट रिफ्यूजेस टू कंडेम इट, द फूड अथॉरिटी शैल कंपनसेट द ऑनर ऑफ द फूड. ठीक है, अगर आप रॉन्ग चार्जेस वगैरह अप्लाई करते हो तो फिर आपको उसको कंपनसेट भी करना पड़ता है. ठीक है, प्रिवेंटेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग इफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ डेयरी सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज, द हेल्थ ऑफिसर ऑफ अ फूड अथॉरिटी may stop the supply of the milk. Let's suppose अगर food authority को पता चले कि नेस्ले में जो बंदा काम कर रहा था या जिसका packaging रहे, retailing का काम था, let's suppose he was suffering from a typhoid or gastro, ठीक है, तो वो company को भी shut down कर देंगे, उस person को भी sue करेंगे. ठीक है, person को तो नहीं, but जो owner है, क्योंकि owner का काम था उसको rest देना और उसने उसको नहीं दिया. Incorrect processing or storage of the dairy product lead to bacteria, viral, fungal infection, जिसकी transmission हो सकती है. ठीक है, prevention of food poisoning, the health officer of the food authority shall without undue loss of time collect sample material of the suspected food poisoning and shall forward sample. ठीक है, बगैर वक्त जाया कि ऑफिसर का क्या काम होता है, वो सैंपल ले और उसको फर्दर किसी टेस्टिंग लैब जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो वहां भेज दे. ठीक है, In case due to contamination of the food by the poisonous chemical to the government public analyst, ठीक है? अगर किसी जहरीली चीज की वजह से पॉइजनिंग होगी तो जो गवर्नमेंट का एनालिस्ट होगा उसके पास जाएगी रिपोर्ट. ठीक है, इन केस ऑफ द बैक्टीरिया इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट होते हैं गवर्नमेंट के, उनके पास जाएगा. ठीक है, तो माइंड में रखना है, अगर पॉइजन है तो एनालिस्ट के पास जाएगा, अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, अगर वायरस है तो वायरोलॉजिस्ट के पास जाएगा. ठीक है, food specimens and all pathological medical materials so collected shall be kept as far possible in an ice box. जब तक वो एक अपने let's suppose अगर वो lab तक पहुंचने में उसको पास time है तो आपने उसको refrigeration या ice box वगैरह के अंदर रख देना है. ठीक है, छोटा सा lecture था, that was all about today's lecture. ये जो references बेटा मैंने दिए हैं आपको ना, इसको आप लोगों ने search कर देना. ठीक है, lecture की समझ आ गई है, कोई मसला तो नहीं है, कोई issue वगैरह? No, ma'am. अच्छा, सेक्शन बी में आपका कोई फ्रेंड वगैरह है, किसी को जानते हैं आप लोग? हैं बेटा? Anybody you know in section B? No. अच्छा, चले ठीक है, फिर मैं उनको ईमेल कर दूंगी कि मैं आज रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगी उनके लिए. ठीक है, चलो बेटा, अटेंडेंस तो मैं आप लोग की सबकी लगा दूंगी. ठीक है, आज की, क्योंकि अभी तो मैं घर से क्लास ले रही हूँ तो मेरे पास एयरपोर्ट वाला ओपन नहीं हो रहा, तो अगर आप लोगों को कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं. मंडे ऑनवर्ड्स आपको पता है आपकी छुट्टियां हैं, मंडे टू सैटरडे फुल वीक. यस मैम, पिछली क्लास पता चला. चले ठीक है, चलो ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.